गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल अंडरस्टैंड इंटरनेट। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी इंटरनेट के बारे में हमने पढ़ा था, तो आगे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। और आप सभी को पता होगा इंटरनेट जो है हमारी लाइफ में इसका कितना यूज है और ये हमारे कितने काम आता है, ये आप लोगों को पता होगा। आजकल जो क्लास आप ले रहे हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू आप ले रहे हैं, तो आपको इंटरनेट की जो वैल्यू है वो पता है। बिना इंटरनेट के हमारा काम जो है बहुत वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए इंटरनेट का यूज करना और उसे सही तरह से इस्तेमाल करना आना हमें बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे बहुत से काम इजी हो जाते हैं और हम अपना काम इजीली और इजीली कर सकते हैं और उसे हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसा कि इसमें हम अभी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ईमेल। ईमेल के थ्रू हम अपना जो कोई भी डाटा है वो हम सेंड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले हम एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए लेटर का इस्तेमाल करते थे, उसे पोस्ट करते थे, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता था। लेकिन अब हम क्या है, कोई भी हमें डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, जैसे कि हमने देहरादून से उसको हमें मुंबई ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, तो उससे हम अपने ईमेल के द्वारा, हमारा कोई वहाँ पर फ्रेंड है या कोई हमारा रिलेटिव उससे हमें भेजना है तो हम उसे ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा अपना एक ईमेल आईडी होना चाहिए और उसका ईमेल आईडी होना चाहिए और हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, तो हम इन सब चीज़ों के द्वारा अपनी ईमेल से दूसरे की ईमेल पे हम वो लेटर वो डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया ईमेल इस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाया गया s12345@ इस तरह से होता है। जैसे कि आप लोग कोई भी ईमेल आईडी बना सकते हैं और उसके द्वारा हम अपना कोई भी डाटा सेंड कर सकते हैं। इट इज़ फास्टर देन पेपर में लिए, जैसा मैंने बताया कि जैसे हम लेटर भेजते हैं उससे ये तेज़ होता है लेटर, वो एक हफ्ता या 8-9 दिनों में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, लेकिन ईमेल के द्वारा वो 2-3 सेकंड में ही एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ वो उसे रिसीव कर लेते हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारा जो मनी है वो भी बच जाती है। तो ईमेल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी आप लोग आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हो, उसमें आपका ईमेल आईडी पूछा जाता है, वहाँ पर भी वो बहुत ज़रूरी है। वो मोबाइल फ़ोन आप यूज करते हैं तो उसमें भी जो भी आप उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या फिर उसे यूज करते हो, उसमें भी आपको ईमेल आईडी पूछी जाती है। तो ईमेल आईडी होनी बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा बहुत सा काम ईजी हो जाता है और इंटरनेट जो हम यूज करते हैं उसके लिए ईमेल आईडी की हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है फाइल ट्रांसफ़र। इंटरनेट के द्वारा हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में और एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि हमें कोई फाइल नेट से डाउनलोड करनी है तो हम क्या करते हैं, हमने कोई वेबसाइट खोली, कोई हमें जैसे कि एडमिशन फॉर्म है स्कूल का, जैसे हमें एडमिशन फॉर्म कोई डाउनलोड करना है तो हम स्कूल की वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ पर हम एक लिंक हमें मिलता है एडमिशन फॉर्म का, उस पर हम क्लिक करते हैं, फिर वो उसे हम डाउनलोड करते हैं और फिर वो हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे मोबाइल में सेव हो जाता है। फिर हम उसका प्रिंट निकाल के उस पर फिल करके या फिर हम वहीं से उसे फिल करके ऑनलाइन हम उसे सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह इंटरनेट के द्वारा हम फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल को रिसीव कर सकते हैं, फाइल को सेंड कर सकते हैं, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जैसे कि आजकल आप लोगों को पता है लॉकडाउन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत से काम हम नेट के द्वारा करते हैं। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें जमा करना है तो हम ऑफिस में ना जाके हम उसे अपने मोबाइल से ऑनलाइन उसे पेड कर सकते हैं और वैसे ही हमारे पास वो हमारे नंबर पे ऑनलाइन हमें मिल भी जाता है मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल के द्वारा। वो वहाँ से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई और बिल है हमें भेज देते हैं, तो हम यहाँ से उसे पेड भी कर देते हैं। तो इस तरह हम बिना घर से जाए हुए हम वो सारा काम घर पर रहकर भी कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट हमारा
हमारे बहुत काम आता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट के द्वारा हमें कितना हम इसका यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम घर पर रह कर बहुत सारा काम हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसे हम बोलते हैं। ये हमारा एक पेज होता है, कोई एक स्पेशल लिंक होता है, जैसे हमारे स्कूल का जो स्कूल की वेबसाइट है तो उसका जो हमारा वेबसाइट का जो पेज है उसे उसका जो लिंक है www.dpicollege.com। तो इस एड्रेस को हम जब एंटर करते हैं तो हमारा जो स्कूल का जो वेब पेज है, स्कूल की जो साइट है वो ओपन हो जाती है। उसमें जो भी हमें डिटेल सर्च करनी है स्कूल के रिगार्डिंग, जो भी हमें देखना है उसमें, स्कूल में स्कूल की गैलरी या फिर जो भी है उसमें हमें एक्टिविटीज़ देखनी है, वो सारी हमें वहाँ पर वो शो हो जाती है। तो इस तरह सब वेब पेज जो होता है सभी का अलग अलग होता है, सभी का अलग एड्रेस होता है, उसके द्वारा हमें सारी चीज़ें हमें वहाँ पर मिल जाती है। जब हम सर्च करते हैं तो इन्हीं वेब पेज के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्च इंजन जो होता है, जैसे कि गूगल है और भी हैं, बहुत से हैं, याहू है। तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी हमें सर्च करना है, जैसे हमने उत्तराखंड के विषय में जानना है तो हम वहाँ पर डालेंगे उत्तराखंड या फिर देहरादून। वो जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारे पास लिस्ट खुल जाती है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। या फिर जैसे हमें स्कूल के बारे में सर्च करना है, हमने वहाँ पर लिखा देहरा पब्लिक इंटर कॉलेज, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे वो लिस्ट खुल जाएगी, जैसे कि हमारी जो साइट है वो वाली खुल जाएगी। तो हम उस पर क्लिक करके उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, या कोई और जानकारी हमें लेनी है तो हम उसके बारे में वहाँ पर क्लिक करके गूगल सर्च इंजन में डाल के उस पर हम टाइप करके हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये दिखाया गया सर्च इंजन, जैसे कि गूगल है, बिंग है, आस्क है, एमएसएन है, याहू है, ये सारी सर्च इंजन है जिससे कि हमें जो भी सर्च करते हैं किसी भी हम सर्च इंजन पे क्लिक करके हम वो सर्च कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।